इधर इंदौर नगर निगम में फर्जी बिल के जरिए करोड़ों का घोटाला उजागर हुआ है। शहर में ड्रेनेज लाइन बिछाए जाने के नाम पर 28 करोड़ रुपए से अधिक के भुगतान बिल लगा दिए गए हैं। नगर निगम ने 5 फर्म के खिलाफ एमजी रोड थाने में शिकायत दर्ज कराई। दरअसल शहर में जिन स्थानों पर ड्रेनेज लाइन बिछाई नहीं गई है उनके नाम पर फर्जी बिल की फाइल तैयार कर ली गई है और भुगतान के लिए निगम के लेख विभाग को भेज दिए गए हैं। ऑडिट विभाग से बिल पास होने के बाद इस पूरे मामले में खुलासा हुआ और इसके बाद पुलिस ने इन फार्मों के कर्ता धर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज की है। के अंतर्गत एक जांच पर से एक केस रजिस्टर किया गया है धोखाधड़ी का, जिसमें यह पाया गया कि एक 2018-19 में जो वर्क के जो बिल होते हैं बिल ऑडिट डिपार्टमेंट से पास होते हुए अकाउंट डिपार्टमेंट में गए, अकाउंट डिपार्टमेंट में पेमेंट के लिए अकाउंट डिपार्टमेंट ने ड्रेनेज डिपार्टमेंट से जब ये जानकारी ली कि क्या इस तरह का कोई काम हुआ है तो ये समझ में आया कि केवल बिल फर्जी बनाए गए हैं, इस तरह कोई काम नहीं हुआ है। इस पर से थाना जो MG रोड में 5 फर्म के जो प्रोप्राइटर उनके खिलाफ, जिसमें कि जाकिर सादिक और सहजाद और राहुल बड़ेरा और एक रेणु बड़ेरा, इन पर 5 लोगों के खिलाफ इसमें फिलहाल केस रजिस्टर किया गया है। इसमें इन्वेस्टिगेशन में आए हुए तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित